यार मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ना बस अब इसको खत्म करते हैं, आखिरी बार मैं बताऊंगा यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद कोई मेरे को पूछेगा मैं बोलूंगा भाई और रेड एफएम का इंटरव्यू सुन लेना, आई विल नेम यू 47 और मैं आपकी लाइफ से फिर वो गाना लिखना शुरू करूंगा। असल ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि उसका म्यूजिक वीडियो नहीं है, पर जिसने सुना है उनका वो उस ईपी में से फेवरेट ट्रैक है कंक्लूडिंग मी, डाला एमिनम का ये गाना चाहिए, लिरिक्स आए रटे रात भर लगे हुए रटे, अगले दिन सुना है ओ भाई लोग पागल हो गए ये क्या कर दिया भाई ने, इंग्लिश इतनी तेज तेज बोल रहा है। आपके पेज जो वेरीफाइड वाला पेज डालो मुझे भी याद नहीं है तो कुछ बकचोदी करी बकर करी होगी, that's gonna be censored, मैंने कुछ बकैती करी होगी, कुछ है दोस्त जो अभी भी लगे पड़े कौन आ गया हटा मुझे बता कौन सा भाई का भाई को कैसे बोल दिया वो सब करके, तो जब मैंने रिकॉर्ड किया तो अगले दिन सुबह में बोली तू तो बड़े गंदे शब्द बोल रहा था, मैंने कहा तो आपको बताया था मैंने पहले, कहते मुझे लगा कुछ कुत्ता सुअर बोलेगा तू किसी को। हाय मैं हूं 47 और आप मुझे सुन रहे 93.5 रेड एफएम पर आरजे गौरव के साथ, रेड एफएम बजाते रहो। Hi, what's up? 93.5 Red FM पर मैं हूँ आरजे गौरव, रेड इंडीज शफल 3 से लेकर 5 बजे तक ये शो होस्ट करता हूँ और इंडी आर्टिस्ट से आपको मिलवाते हैं और रेड एफ एम के स्टूडियो में भी एक से बढ़कर एक आर्टिस्ट से आपको मिलवाते हैं। अभी आपको मिलवाने वाला हूँ भाई गुड़गांव के ये जबरदस्त इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जबरदस्त ये रैपर, इनके गाने मतलब मेरे मोबाइल फोन में सेव्ड है और जबरदस्त इनके सॉन्ग्स रहते हैं। और तेरे भाई का नाम क्या है? तेरे भाई का नाम सैंतालीस, नाम सैंतालीस है। तो भाई सबसे पहले तो रेड एफएम देहरादून में वेलकम। थैंक यू सो मच। सो देहरादून कभी पहले आए हो या फर्स्ट टाइम आ रहे हो, क्या सीन है? हाँ देहरादून पहले मैं आया हूँ, सबसे पहले तो घूमने ही आया हूँ। उसके बाद फिर मैंने एक दो म्यूजिक वीडियोस यहाँ पे शूट करे, एक्सपीरियंस वाज रियली अमेजिंग पहले वाले का, सो दैट्स व्हाई आई केम अगेन। आज पहली बार परफॉर्म करने आ रहा हूँ, बहुत सही, इट्स क्रेजी फॉर मी। नाइस नाइस। So, ये नाम सैंतालीस है। हाँ नाम सैंतालीस क्यों है यार? मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ना बस अब इसको खत्म करते हैं, आखिरी बार मैं बताऊंगा यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बाद कोई मेरे को पूछेगा मैं बोलूंगा भाई और रेड एफएम का इंटरव्यू सुन लेना आरजे गौरव के साथ, आरजे गौरव के साथ में बजा दे रहो। कोई ऐसा ना खास रीजन नहीं है, ठीक है? हाँ। बहुत ही नर्डी सा रीजन लगेगा सुनने में, पर मैंने ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया था। सो मेरा नाम है अंकित गुडवानी, ठीक है, जिसका शॉर्ट होता है एजी। एजी इज एक्चुअली साइंटिफिक सिंबल फॉर सिल्वर, अगर आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो एजी सिल्वर आता है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर इज 47, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सिल्वर एटम इज 47। सुनो मेरी बात, ये सोच के नहीं किया था मैंने। वहाँ पीरियोडिक टेबल मेरे सामने खुला हुआ है, ठीक है, 11th क्लास की बात है, नॉन मेरिट लिया था क्योंकि मैंने, और वहाँ पे दिख रहा है एजी, आई वाज लाइक ओ दैट्स मी, नीचे लिखा 47, ठीक है नाम रख लेते हैं। कुछ ज्यादा मैंने सोचा नहीं कि भाई क्योंकि मैं साइंस से रिलेटेड या कुछ भी नहीं, वो बस मेरे को दिखा और मैंने रख लिया। और उसके बाद थोड़े से गाने पॉपुलर होने लगे तो मेरे को लगा कि शायद नाम चेंज करना चाहिए, बट आई वाज लाइक फॉरगेट इट, नहीं करते हैं इसको, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक बार चीज बन गई है। उसमें दो टी इसलिए है, इंस्टेड ऑफ FORTY, मैं एक्चुअली FOTTY लिखता हूँ, ताकि अगर कोई गूगल करे तो उसको नंबर का विकिपीडिया ना खुले, सीधा मेरी आर्टिस्ट प्रोफाइल देखे, मेरे गाने दिखाई दे वहाँ पे। सो इट यूज टू बी लाइक अगर कोई 47 लिखता था तो गूगल वुड बी लाइक ओ डिड यू मीन FORTY, पहले ऐसा होता था कि आपने गलत तो नहीं टाइप कर दिया, पर अभी सीधा मेरे गाने आते हैं गूगल पे। मतलब वो ऐसा हो गया कि एक्सक्लूसिव ये नाम ऐसा हो गया, yes, 47 एक बंदा है इंडिया से जो कि रैप बनाता है और उसके गाने लोग सुनते हैं, तो शुरू शुरू में 47 के गाने दिखाई देते हैं। बहुत सही भाई, बहुत सही। अभी आज के बाद कोई ये सवाल नहीं पूछेगा कि 47 नाम क्यों। अच्छा आप पहले मुझे ये बताओ, आपने बोला कि मेरे गाने आपके फोन में सेव्ड हैं, आप बाय कर रहे हो या आप डाउनलोड कर रहे हो? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जैसे यूट्यूब वगैरह से डाउनलोड हो गया, यूट्यूब से सेव डाउनलोड हो गया, क्या होता है? हाँ मतलब यूट्यूब वाला जो डाउनलोड होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब वाला वो बहुत चलाता हूँ। ये भाई ने वैसे ना फंसाने की कोशिश की, मतलब इलीगली डाउनलोड करो, क्या करो। अब मैं गाने खरीदो सिर्फ 12 रुपए का एक गाना होता है, प्लीज खरीदो, आर्टिस्ट को सपोर्ट करो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ऐसे पैसा कमाता है, ऐसे पैसा कमाता है। सो ये बताओ कि यू नो खो गया हूँ, खो गया हूँ वाला 47 से लेके, अबे यार ये वाला 47, तो उस 47 और इस 47 में कितने चेंजेस आए हैं? अबे यार वाज एक्चुअली वन ऑफ माय सिंगल्स, तो अगर स्पेक्ट्रम का एंड देखना है आपको तो शुरू वाला खो गया हूँ वाला, और उसके बाद फिर जो मेरी ईपी आई थी असली इंडिपेंडेंट, वो वाला इज एक्चुअली माय प्रॉपर बैंडविड्थ वाला जो मेरा स्पेक्ट्रम है, क्योंकि अबे यार मैंने बनाया था जून के अंदर, तो वो एंड में नहीं आता, वो बीच में कहीं आता, एंड में वॉज माई ईपी जो मैंने बनाई थी। चेंज बहुत बड़ा है, खो गया हूँ आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों ने सुना है वो, कि मैंने एक लिरिक वीडियो बना के डाल दिया था खुद से, एंड दैट वाज माय फर्स्ट एवर कंपोज्ड रिटन मिक्स मास्टर्ड सब कुछ वीडियो भी खुद ही बना, वीडियो जो लिरिक वीडियो आई मूवी से बना के डाल दिया था उस टाइम पे।
लोगों को पता नहीं है क्योंकि वो एक इमोशनल सॉन्ग है और उसमें प्यार व्यार वाली बातें तो लोगों को लगता है कि वो किसी लड़की के ऊपर और एक्चुअली आई जस्ट रोट इट फॉर माय डैड. मैंने मेरे डैड के लिए लिखा था. नाउ इफ यू अब उस गाने को उस पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इसका दूसरा मतलब क्या गाने क्या. अभी जो मेरी ईपी आई है असली इंडिपेंडेंट जो की आई थी कलमकार के थ्रू, शाउट टू बिग शाउट टू कलमकार फॉर सपोर्टिंग दैट. उस ईपी में मैंने कोशिश करी है उससे पहले जो मेरी परसोना थी उसको थोड़ा सा और एनहांस करने की, कि अभी तक सिर्फ अग्रेसिव 47 दिख रहा था जो रिलेटेबल गाने या फनी गाने बना रहा था. उसमें फिर थोड़ा मैंने लिरिसिज्म ऐड करने की कोशिश करी है. 5-6 गाने थे उसके अंदर और कोशिश करी है कि हर 6 गाने के अंदर मैं अलग अलग 47 दिखाऊं सबको. मल्टी पर्सनैलिटी वाला जो सीन होता है यू नो लोगों को लगता है कि ये एक तरह के गाने इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसकी एक तरह की जिंदगी है. नहीं, मैं गाने बनाता हूँ दूसरों की जिंदगियों के ऊपर. लाइक मैंने आज आपको देखा, आपसे इंस्पायर हुआ तो मैं आरजे गौरव खुद को समझ के लाइक आई विल नेम यू 47 और मैं आपकी लाइफ से फिर वो गाना लिखना शुरू करूंगा. नाइस. सो दैट्स ऑल द बिग चेंज आई हैव नोटिस्ड येट. नाइस. अच्छा, असली इंडिपेंडेंट ईपी की जब बात की तो उसमें एक गाना जो मैंने मतलब यू नो बहुत दिल से सुना क्योंकि एक आर्टिस्ट है जिसको मैं हाल फिलहाल में बहुत सुन रहा हूँ वो है तलविंदर को. तलविंदर, ओके. तो तलविंदर के साथ भी उस ईपी में गाना था, राइट? हाँ, हाँ. तो तलविंदर के साथ मिलना और ये कैसे हुआ? तलविंदर के साथ मिला नहीं, वो यूएस रहता है. हाँ. एंड इनफैक्ट मेरी आज तक उसे फोन पे बात नहीं हुई है. we have texted a little. सोशल मीडिया पे? हाँ, सिर्फ थोड़ी सी टेक्स्ट पे बात हुई है. और तलविंदर ने मेरे गाने सुने हुए थे और मैंने तलविंदर के गाने मेरे फ्रेंड के थ्रू सुने हुए थे और मेरा फ्रेंड पागल था तलविंदर के पीछे. एंड एक्चुअली That's one of the reasons कि मैंने तलविंदर के साथ गाना किया क्योंकि उसको बहुत पसंद था. Okay. And then फिर मैंने तलविंदर को बोला कि if you already have something, कि अगर आपने बीट पे कुछ बनाया हुआ है तो send me that. Let's see क्या निकल गया था, because मैं अपनी वाइब तलविंदर को नहीं भेज सकता. तलविंदर has this strong niche वाला thing groovy vibe. हाँ, थोड़ा उसका एक he has that one thing going on for him जो बहुत strong है जिसके अंदर. तो मैं वो change नहीं करना चाहता था. So I was like कि तू मेरे को भेज, तेरे पास क्या है. उसने मुझे असूल भेजा और एक ट्रैक और भेजा. सो मुझे वो वाला उतना सही नहीं लगा, पर व्हेन आई हर्ड असूल आई वाज लाइक दिस इज इट, ये है मेरा गाना, इस पे हम बनाते हैं. देन देयर वाज दिस, मेरे लिए पहली बार था कि एक ड्रिल टाइप बीट पे मैं काम कर रहा था. यू नो ड्रिल आजकल चल भी रहा है. तलविंदर ने एक्चुअली पहले से उसको उस वेव को पकड़ लिया था. हम तो सिर्फ आजकल के रैपर उसको कैच कर रहे हैं उस वेव को, बिकॉज अभी मार्केट में चल रहा है तो सारे के सारे ड्रिल करने लगे. बट तलविंदर वॉज डूइंग दैट एक दो साल पहले से ही. उस बीट के ऊपर मैंने अपना लिखा एंड काफी लोगों को, अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो, मेरे ईपी का बेस्ट वर्स था वो जो मैंने लिखा. लाइक जिसमें मेरे को लगता है कि आई एक्चुअली पुट अ लॉट ऑफ डिफरेंट इंस्टेंसेज ऑफ माई लाइफ जहाँ पर मैंने डाला है. ये जनरली जो दूसरे गाने हैं दे आर ऑल इधर लाइक यू नो इंटरनेट गैंगस्टर टाइप की, ओ शर्ट ये कर दूंगा वो कर दूंगा या फिर तू ये है तू वो है, सब कुछ यू नो बहुत रैपर टाइप था. पर ये थोड़ा लाइफ टाइप था. सो असूल मेरे लिए भी काफी स्पेशल ट्रैक है. Nice. असूल ज्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा क्योंकि उसका म्यूजिक वीडियो नहीं है, पर जिसने सुना है उनका वो उस ईपी में से फेवरेट ट्रैक है, इंक्लूडिंग मी. हाँ, इसीलिए मैंने जिक्र भी किया कि yes. मैं यू नो तलविंदर को भी हाल फिलहाल में मैंने सुनना शुरू किया गाह के बाद से. सुनना तलविंदर बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है. अगेन अ बिग शाउट टू माय बॉय तलविंदर, माय ब्रो तलविंदर, बहुत सही बंदा है. आई होप कि जब वो यहाँ पे आएगा तो हम एक वीडियो भी शूट करेंगे, बिकॉज उसने मेरे को एक और गाना भेजा जो कि मेरे को उसके साथ करना है, तलविंदर फीचरिंग 47, दैट इज आल्सो क्रेजी सॉन्ग. Let's see when that happens. सच में मतलब तलविंदर का सजना और पजना ये तो मतलब मेरे अभी हाल फिलहाल में बड़े फेवरेट बने हैं. बट अभी अभी आपकी बात करते हैं. So 47. Yeah. ये कब डिसाइड किया कि यार रैप करना है भाई? यार स्कूल में हो गया था, मैंने अपना नाम रखा था 11वीं के अंदर ही. मैंने रैप करते हुए देखा लोगों को. हाँ. आई वाज लाइक कि ये बहुत कूल चीज है, ठीक है. लोग ऊपर से जब मैं इंग्लिश वाला रट के जाता था ना लाइक मैंने कहे azlyrics.com करके वेबसाइट होती थी. हाँ. डाला Eminem का ये गाना चाहिए, लिरिक्स आए रटे रात भर लगे हुए रटे. हाँ. अगले दिन सुना है, ओ शिट, सुना लगे भाई का, भाई लोग पागल हो गए, ये क्या कर दिया भाई ने, इंग्लिश इतनी तेज तेज बोल रहा है. देन आई गॉट टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं सुनते, उनके लिरिक्स के लिए भी सुनते हैं, दे रिलेट टू दैट थिंग. देन आई वाज लाइक कि अगर एक बंदा यूएस में रह के इंग्लिश के अंदर गाने बना रहा है जिससे यहाँ के लोग रिलेट कर रहे हैं, जिनको इतने रेफरेंसेस पता भी नहीं है, तो क्यों ना मैं उनको उनके शहर वाली हिंदी वाली चीज दूं, देखते क्या निकल के आता है. एंड इट वर्क्ड आउट फॉर मी. मैंने इंग्लिश में रैप करना शुरू किया था, देन आई स्विच्ड टू हिंदी, एंड एज सून एज आई स्विच्ड टू हिंदी शिट वेंट मैड क्रेजी. मेरा पहला गाना जो मैंने बनाया था 2017 में, वो भी मेरे डैड के लिए था, इट्स कॉल्ड पापा. हाँ, 2017 में था वो, और वो मेरा ट्रैक था दैट मेड माय चैनल व्हाट इट इज राइट नाउ. So, it was nice that school mein decide kar liya tha rap karne ka.
अभी जब 17 की उसके बात की है तो मैं फेसबुक आपका मैं जरा खंगाल रहा था okay. तो मैं पहुंचा नॉट फेसबुक यस फेसबुक 24th of March 2018 oh. आप भी जाके देखना. तो आपने एक पोस्ट डाला था मैं ये देख रहा हूं कि देयर समथिंग विद द नंबर 8 और सब्सक्राइबर का एक स्क्रीनशॉट डाला हुआ था यूट्यूब पे 8888 ओके 888 करके था uh-huh. और फिर ये लिखा हुआ था कि कुछ खास है 8 नंबर मतलब कि ये देयर समथिंग विद द नंबर 8 तो ये 8 के साथ का स्पेशल है या यही ही डाल दिया ये मैंने लिखा हुआ था. आप जाकर देखना जो देख रहे ना 47 भाई के आप देख रहे 24th March 2018 उस पर डालो भाई अगर मुझे भी याद नहीं है तो कुछ बकचोदी करी बकर करी होगी दैट्स गोना बी सेंसर्ड मैंने कुछ बकैती करी होगी कुछ मुझे याद नहीं है. मैं इतना भी बता रहा हूँ कि यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट 888 डाला हुआ था और फिर उसके ऊपर कैप्शन ये लिखा हुआ था कि देयर समथिंग विद द नंबर 8 और 24th March 2018 I don't remember that at all. मुझे नहीं पता कहां से मिल गया डिलीट करूंगा जाते ही कोई ना देख पाए ये एयर कब हो रहा है ये मैं नहीं बताने वाला. ओके okay, अभी एक और फेसबुक बस की याद करते हैं okay. और यार फेसबुक नहीं देखो यार मेरा फेसबुक बहुत मेटा है. ये मैं बताता हूँ ये अब फरवरी का है 14th February वैलेंटाइंस का ये है और ईयर ये 2018 ही था. ओह शिट अभी इन्होंने एक प्रोटीन बार की फोटो डाली हुई है ओके okay. और लिखा हुआ है कि दिस इज व्हाट शी गेव माय फैट समथिंग वर्ड जो मैं नहीं बोल सकता फॉर वैलेंटाइंस ठीक है. तो ये डाला हुआ था कि यू नो अब मैं उस वाली डिटेल में नहीं जाऊंगा लेकिन हाँ कि वो प्रोटीन बार वाली फोटोग्राफ डाली थी. मेरा सवाल ये है कि मतलब वैलेंटाइन गिफ्ट के तौर पे प्रोटीन बार मिला भाई ने इतना इंपॉर्टेंट समझा कि उसकी फोटोग्राफ डाल दी मतलब इतने फिटनेस फ्रीक को. नहीं नहीं वो एक्चुअली उसका ऑफिस था एंड शी डिडंट शी रियली डिडंट हैव द टाइम टू बाय मी एनीथिंग. हां अच्छा उसको जल्दी जल्दी में जो समझ में आया उस टाइम हां आई वाज वर्किंग आउट काफी हेवीली उस टाइम पे सो दैट वाज इट दैट वाज स्पेशल मैन दैट वाज क्लोज दैट वाज ग्रेट. Yeah, obviously, yeah. special तो हो गए भाई. Protein bar मिल रहा है, Valentine's protein bar मिल रहा है. आप सोचिए कहाँ टेडी टूडी की बातें हो रही हैं, फ्रेरो फ्रूरो की बातें हो रही हैं. भाई 2017 में टेडी था ना मैं, तो इसलिए फिर प्रोटीन बार दी है. सही. अब वैलेंटाइंस डे को लेकर यंगस्टर जो सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको कोई एडवाइस कुछ अपनी प्रो टिप देना चाहोगे? प्रो टिप कुछ भी. I don't know, protection use करो. बहुत फैल रहा है. ध्यान रखो अपना. Stay safe कहना चाह रहे. Yes, stay safe. कोरोना चल रहा है, कोरोना फैल रहा है. मास्क यूज करो. मास्क यूज करो. अब वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ मास्क लगाएं. सो मैं यूट्यूब लाइव भी जो आपका है वो देख रहा था. तो अभी जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात भी कर रहे थे यू नो ऑफ कैमरा कि यू से दैट यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन. यस आई एम. और मतलब लिटरली आपके फैंस भी जो आपको रैप करते हुए देखते हैं यू नो बैंग ऑन उसके साथ शायद कोई ऐसा इमेजिन नहीं करे कि आप इतना बोलना या बात करना एकदम से पसंद नहीं करते. यू आर नॉट लाइक कि कोई बैठा हुआ तो मैं उठ के चले यार इससे बात कर दूं. तो मतलब क्या स्टोरी क्या है ऐसे रियल में इतना इंट्रोवर्ट हो कि नहीं. जैसे पहले मैंने आपको बताया कि लोगों को बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि एक इंट्रोवर्ट बंदा बात नहीं कर सकता. हाँ. जो एक्चुअली टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है वो हाँ. ये है कि एक इंट्रोवर्ट बंदा कि अगर मेरे घर में मेहमान आते हैं ना तो मैं पहले से तैयारी करनी नहीं शुरू कर दूंगा कि लोग आ रहे हैं कि उनके लिए क्या खाना बनाना है. मैं अपने रूम में जाके बैठ जाऊंगा तब तक जब तक वो निकल नहीं जाते. मतलब सोशली ऑकवर्ड पर्सन कह सकते हैं क्या? मैं नॉन सोशल हूँ. सोशली ऑकवर्ड नहीं हूँ. हाँ. अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ. कैन हाँ. यू टेल कि मैं सोशली ऑकवर्ड हूँ? मैं ढंग से बात कर पा रहा हूँ. हाँ, हाँ. उसमें वो वाला सीन नहीं है. हाँ. पर मेरे को बात करना पसंद नहीं है. अच्छा. दैट्स व्हाई आई एम एन इंट्रोवर्ट. मतलब अभी कहीं फ्लाइट में जा रहे हो या ट्रेन में जा रहे हो किसी भी ऐसे पब्लिक कन्वेंस से जा रहे हो है ना कोई पड़ोस में बैठा हुआ है तो मतलब आप उठ के उससे बात नहीं करोगे? कौन करता है भाई? आप करते हो क्या? लोग कर लेते हैं. लोग वो मैं नहीं हूँ. हाँ, वो exactly. मैं नहीं हूँ. हाँ. हाँ. कि ऐसा नहीं होगा कि कोई पड़ोस में बैठा कि और भाई साहब कहाँ से हैं आप? अच्छा कहाँ जा रहे हैं? हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो मेरे को पूछेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा. हाँ. ये नहीं है कि उसने पूछा और आई विल बी लाइक रियली रूड और मैं उस तरह मुंह कर लूंगा ऐसा. हाँ. नहीं है. बट आई वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू हिम. और ये मैं बोल भी दूंगा उसको अगर वो ज्यादा बात करे कि भैया मुझे बात नहीं करनी. और जो मेरे गाने वाला सीन है ना वो ये है कि सी मैं इंट्रोवर्ट हूँ बट दैट डजंट मीन कि अगर कोई एक कोई बंदा मेरे साथ बकवास कर रहा है बदतमीजी कर रहा है तो मैं जवाब नहीं दूंगा उस चीज का. गुस्सा अपने को भी आता है हाथ अपने भी चलते हैं. पर सीन यही है कि कभी अगर कुछ सामने गलत हो रहा है जो मेरे से रिलेटेड नहीं है आई माइट नॉट जस्ट स्टैंड अप एंड ट्राई टू स्टॉप दैट. मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा किसी चीज के अंदर.
लेकिन अगर अपने साथ गलत हो रहा है तो फिर वो वही रुक जाएगा, मतलब ही रुकेगा। मतलब ये वो वाली बात है, एक लाइन में समराइज करेगी, पहले किसी को छेड़ते नहीं, कोई छेड़े तो छोड़ते नहीं, ये वही वाली बात सीन है। अच्छा, तो मतलब मुझे ये बात ऑनेस्टली बता रहा कि दिल्ली एनसीआर वाली वाइब तो है ही आप में, है ना? तो कभी ऐसे हुए कि फड्डे वड्डे कहीं हो गए, मतलब यू नो 47 बनने से पहले? एक्चुअली ज्यादा होता है स्कूल कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद जब आप ग्रो अप हो जाते हो ना, आपको पता है इन चीजों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। तो बस जितने भी एग्जांपल्स हैं, जो भी मैं अपने गानों के अंदर बोलता हूँ, या तो मेरे साथ स्कूल कॉलेज में हो चुका है, या फिर मेरे दोस्त लौंडे अभी भी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ है दोस्त जो अभी भी लगे पड़े, कौन आ गया हटा मुझे बता, कौन सा भाई का भाई को कैसे बोल दिया सब करके। तो वहां से काफी चीजें इंस्पिरेशन वगैरह मिलती है, तो उधर से ही सारे लिरिक्स बनते हैं। सही। सो अपने अगर यू नो इंडियन हिप हॉप सीन की बात करें, इंडियन रैप कम्युनिटी की बात करें, कौन रैपर है या कौन रैपर्स हैं जिनको हाल फिलहाल में करंटली यू नो सुन रहे हो या जो प्लेलिस्ट में है? जनरली मैं ना अपनी हिप हॉप कम्युनिटी की बात करें या इंटरनेशनल हिप हॉप की बात करें, अपने, अपने इंडियन, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी की भी बात करें, मैं कोई ऐसे स्पेसिफिक आर्टिस्ट नहीं जो प्लेलिस्ट में डालता हूँ, एक्सेप्ट ड्रेक ऑफ कोर्स। ओके, बट या कोई सामने आता है तो मैं सबको ही सुन रहा होता हूँ, लाइक कोई ऐसा कुछ किसी से शिकवा नहीं है कि लाइक इसको नहीं सुनना है कुछ भी, मैं सबको ही सुन रहा होता हूँ। तो कोई स्पेसिफिक नाम कोई रीसेंट फेवरेट जैसा कोई हो कि यार हाल फिलहाल में यार ये है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, या मे बी यू नो गाने इसके ज्यादा सुन रहा हूँ, ज्यादा सुन रहा हूँ वाली बात, कोई रीसेंट फेवरेट टाइप? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, पर लाइक जो भी नए गाने आते हैं मैं सारे सुन रहा होता हूँ। आई लाइक म्यूजिक, यू नो। नाइस। अभी अभी जो रैप सॉन्ग्स हैं आपके, तो फैमिली में सब सारे सुने हुए? मेरी फैमिली में बस मेरी मॉम है। ओके, हाँ, और अगर आप गाली वाले पार्ट पे आने वाले हो, अगर आप वहां पे आने वाले एक्सप्लिसिट पार्ट, हाँ, कि लाइक तेरे गानों में गाली है, तो जब मैंने वो शुरू किया था, व्हिच वाज सबसे पहले हुआ था, मेरा सॉन्ग है पागल है क्या, 2018 दिसंबर में वो मेरा, मतलब मैंने जो आपका पहला सुना था वो पागल है क्या, वही वहां से जेन्युइनली सुनना शुरू किया। हाँ, पागल है क्या। हाँ, सो 2018 में मैंने गाना बनाया था, जब मैंने वो गाना बनाया था ना, उसके मैंने लिखने से लाइक मेरे को मालूम था कि मैं गाना बना रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ा एग्रेसिव जाने वाला हूँ, एंड द सॉन्ग इज अबाउट दैट, कि भाई तू पागल है क्या, जिसकी तू सुन रहा है सुनने के लायक है क्या, बाढ़ के क्या, ऐसे करके मैं जाने वाला हूँ, और बीच में इमोशंस निकलेंगे, वो उमड़ के आएंगे, और थोड़े अगर हार्ड हो गए तो मेरे को लिखना पड़ सकता है वो चीज, कोई ऐसा सोच के नहीं बनाया था गाली डालनी है उसके अंदर। तो मैंने मेरी माँ को पहले बता दिया था, ठीक है, मैंने कहा देखो अगला जो गाना है ना वो हो सकता है सुनना ना चाहो, ठीक है, मैंने उनको बोल दिया कि हो सकता है कि उसके अंदर गाली हो, कहते ठीक है, उनको लगा कुत्ता कमीना बोल रहा होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या बोलेगा। फिर जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा था ना वो गाना, अब मैं अपने घर में रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है, और साउंड प्रूफिंग तो हो नहीं रखी उस टाइम पे, तो जब मैंने रिकॉर्ड किया तो अगले दिन सुबह में बोली तू तो बड़े गंदे शब्द बोल रहा था, मैंने कहा तो आपको बताया था मैंने पहले, कहते मुझे लगा कुछ कुत्ता सुअर बोलेगा तू किसी को, ये क्या बातें कर रहा है तू। मैंने कहा देखो यही है जो है, अगर एक्सेप्ट कर सकते तो ठीक है, नहीं कर सकते तो आपका गुस्सा सह लेंगे भाई, बनाना मार दो, हाँ अगर मारना है तो मार दो, अगर ये बनाना है तो ये बनाना है, तो वही सीन था। बाकी रिश्तेदार वगैरह ने सुने हैं, ठीक है, और वो लोग बोलते भी हैं, हाँ, ये क्या कर रहा है लड़का, हाँ, आगे शादी होगी इसकी, मान लो अगर कोई लड़की वड़की देखने आते हैं जो कैसे नहीं होने वाला, तो मैं मना करके कोई नहीं आया वैसे देखने को मेरे को मालूम है, तो अगर कोई आता है, हाँ, तो वो ये बोलेंगे कि भाई आपका लड़का क्या करता है, फिर आप बोलोगे ये रैप करता है, फिर मान लो किसी रिश्तेदार वाले बच्चे बच्चे ने चला दिए तो 47 के गाने उस टाइम, और लड़की वाले देखने आए, पूरा पूरा सिनेरियो बना दिया उन्होंने, हाँ, कि उस टाइम अगर ये हो रहा है, और किसी ने पागल है क्या चल निकल, या जो भी इसके गाने निकाल दिए उसके अंदर, देखें भाई ये लड़का ये कर रहा है तुम्हारा ये करता है, मैंने कहा ये चीजें है ना ये अपने पास तक रखो, ठीक है, जिसका मैं लड़का हूँ ना, अगर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं तुम्हारी दिक्कत से कुछ मेरा लेना देना नहीं है, नहीं, अगर मेरी माँ को कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं किसी की सुन भी नहीं रहा भाई, सही पूरा सीन है। हाँ, सही। तो मतलब वो रिलेटिव्स अभी भी बोलते हैं क्या, मतलब अभी तो इंजीनियरिंग करी थी उसने, जॉब वॉब क्यों नहीं कर रहे, ऐसे कहाँ घूमता रहता है, मैंने कहा कर रहा है जो भी है, अभी 2020 की बात है, लॉकडाउन थोड़ा सा ही खुला था, मॉम गई थी वहां से सामान लेने के लिए, वो बंदा आया और उसने अपने बेटे को मिलाया मेरे से, अच्छा, कहते हैं ये ड्रम बजाते देखना अगर इसका कुछ हो सके साथ में, तो बहुत बढ़िया भाई। तो ऐसे ऐसे लोग बदल जाते हैं, और अभी आज कोई नहीं है कि लाइक जिसको मैं जानता हूँ कि रिश्तेदारी में है या नोन पर्सन है कोई, कि जो मेरे को ऐसा बोल दे दोबारा, अब कोई नहीं बोलता। और ये पता था ब्रो, ये पता था मेरे को कि लाइक आगे जाके सबने चुप होना है, चुप होना है, एक बार काम सामने आएगा, क्योंकि अपने काम पे भरोसा था कि आज नहीं तो कल फटेगा, और जब फटेगा सबकी फटेगी, सही बात, ये वाला सीन था, सही बात है।
तो वही वाली बात है कि यू नो रिलेटिव्स वगैरह जब कोई यू बोलने लगेगी शादी की बात या फिर ये क्या हो रहा है क्या नहीं, तो फिर आप शादी बोले अब भाई यार घर दिख रहा तो रहा वही वाली सही। अच्छा इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के क्या स्ट्रगल या यू नो क्या उसके चैलेंजेस यू एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी तक क्या फेस किया है? ये क्वेश्चन लाइक अगर आप मेरे को ऐसे बोलोगे ना यू एज एन आर्टिस्ट क्या फेस किया है तो वो सेम ही रहेगा। सी इंडिपेंडेंट वाली जो चीज है ना ये बस एक टैग है जो कि जरूरी नहीं है कि मैं इस चीज को है ना प्राइड के साथ पहनता हूँ कि भाई मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसी खास बात है नहीं। मैं इसलिए इंडिपेंडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहता हूँ। मैं इसलिए इंडिपेंडेंट हूँ क्योंकि मेरे को मौका नहीं मिला कहीं अच्छी जगह साइन होने का। ऑफर आते हैं लेबल्स वगैरह से, द डील इज नॉट दैट ग्रेट जितना मेरे को चाहिए। तो ये कोई यू नो शो ऑफ करने वाली चीज मेरे को नहीं लगता है कि आप एक इंडिपेंडेंट मैं हूँ ठीक है। और मैं चौड़ से पहनता हूँ, मेरे को लगता नहीं कि ऐसी कोई चीज है कि भाई मेरे को इंडिपेंडेंट ही करना था इसलिए मैं इंडिपेंडेंट कर रहा हूँ। स्ट्रगल्स की अगर आप बात कर रहे हो तो मेन दिक्कत पैसे की आती है कि सारी की सारी जो कहानी है ना वहीं आके अटक जाती है। अगर आपको गाना बनाना है अपनी जेब से, हाँ उसके लिए आपको म्यूजिक बनाना है, मिक्स करना है, मास्टर करना है, रिकॉर्ड करना है, उसके आगे वीडियो के लिए फिर आपको गाना कहीं भेजना है, उसका वीडियो बनाना है, अपलोड करना है, प्रमोट करना है, उसका एल्बम आर्ट बनाना है, कहीं उसको यू नो नेटवर्किंग करनी है, जो भी करनी है, हर जगह पैसे की दिक्कत आती है। और पैसे के अलावा जो दूसरी दिक्कत है वो होती है सपोर्ट की, जो कि आदमी को अगर उसके घर से नहीं मिल रहा ना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। कि अगर घर वाले ये बोल देना कि भाई तू ये मत कर, हमें तुझ पे भरोसा नहीं है, तो वो बहुत दिक्कत वाला दिक्कत आती है। सही बात है। तो मेन मेरे ख्याल से ये दो चीजें हैं, पैसा और घर वालों का सपोर्ट। घर वालों का सपोर्ट जरूरी नहीं है लेकिन अगर मिल जाए ना तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बाली और बादशाह भाई इनके साथ कलेशी लौंडे हॉट लौंडे है ना, गलत लौंडे मतलब आप लौंडे के साथ जो भी एडजेक्टिव लगा दे वो यही है, सही गलत हॉट कड़ा जो भी बोल दीजिए वो ये है। क्या सीन है दोनों भाई लोग के साथ? मतलब पूछना ही बेकार है वैसे तो, बट फिर भी हमारा एक ग्रुप है, वी कॉल इट कलेशी लौंडे। हम लोग की व्हाट्सएप पे नाम से मतलब किसी और व्हाट्सएप पे भी है और अगर गाना बनाना है तो मान लो अगर हम तीनों किसी एक साथ कोई ईपी निकालते हैं, कोई गाना बनाते हैं, तो इट्स गोना बी अ कलेक्टिव। कि मान लो जैसे मेरा गाना है और उसके अंदर बाली को फीचर कर रहा हूँ तो दैट विल बी लाइक 47 फीचरिंग बाली। लेकिन अगर एक गाना जो जिसमें तीनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन है तो वो जाएगा बाय कलेशी लौंडे। जैसे एक बैंड होता है जैसे सीधे मौत हो गया, सीधे मौत के अंदर दो आर्टिस्ट है, तो वो कभी ऐसा नहीं होता कि एबीजे फीचरिंग काम, वो हमेशा सीधे मौत के नाम से है, इट्स लाइक अ कलेक्टिव। हम लोग एक ईपी पे काम कर रहे हैं जो कि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, पर यू नो लॉकडाउन हुआ, फिर कभी मेरी ईपी आई, बाली की ईपी आई, भाई की एल्बम आई थी पिछले साल, तो टाइम एक्चुअली निकल नहीं पा रहा कि हम एक साथ बैठ पाए और वो 6 से 10 गाने बना पाए दुनिया को सुनाने के लिए। बट वी हैव दिस ग्रुप एंड इट्स प्रीटी एक्सक्लूसिव। हम लोग कहीं जाते हैं, कभी भी कोई किसी के सिटी में होता है, वे चिल करते हैं एक साथ, यू नो वी रोम अराउंड, देखते हैं कौन क्या म्यूजिक बना रहा है। सो इट्स बहुत सही भाईचारे वाला सीन है। सही। 2021 में क्या कुछ किसके साथ वैसे मतलब आपका म्यूजिक वगैरह में क्या क्या कुछ पब्लिक एक्सपेक्ट करे, आपके फैंस क्या एक्सपेक्ट करे 2021 में? यार इस बार कोलैबोरेशन होगी काफी सारी। Okay. पिछले साल जो भी मेरी कोलैब्स थी वो सारी की सारी मेरी ईपी के अंदर थी। और उससे पहले जो मैंने सिंगल्स निकाले थे ज्यादा कोलैब्स नहीं थी। एक आई थी इक्का भाई के साथ विच वॉज सही सही सही, और एक बहुत तेज करके गाना आया था मेरा बादशाह भाई के साथ, बाकी सारे मेरे सिंगल्स ही थे। अब बाली के साथ भी आया था, अब यार आखिरी में अर्जुन के साथ भी आया था स्टैच्यू। ओके लास्ट ईयर नहीं कोलैब्स, लास्ट ईयर भी बहुत सारी गई है, पर इस साल और होंगी और ज्यादा। हाँ, और कोशिश करेंगे कि इस बार बहुत बड़े पैमाने पर निकाले चीजों को, यू नो चाहे किसी लेबल के साथ करना पड़े, चाहे इंडिपेंडेंट करना पड़े। वी हैव मेड दैट कैश, यू नो पिछले साल हमने पैसा बनाया तो इस साल उसको लगाते हैं जरा गानों के लगाते हैं। हैशटैग बॉलीवुड कॉलिंग क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ही रहेगा उस पे। वी डोंट नो येट, लाइक गाने पे छोड़ते रहते हैं, देखते हैं। प्लस जब तक एक बार यू नो पक्का कॉन्फर्मेशन नहीं आ जाता, आई रियली डोंट लाइक ऑब्वियसली, मैं उसको अनरावल करना सही नहीं समझता। सही। देहरादून की जनता जो अभी देख रही है कुछ कहना चाहोगे? देहरादून की जनता को भाई प्यार है। इनफैक्ट अगर मेरा स्पॉटिफाई चेक करो, मेरे यूट्यूब से ज्यादा मेरे स्पॉटिफाई पे जो लिसनर्स हैं उनमें टॉप 10 शहरों में आता है देहरादून। सो आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल लिसनिंग टू मी हियर। और देहरादून का यार मेरे को ये चीज बहुत सही लगती है कि यहाँ पे जितना स्ट्रांग मैंने हिप हॉप देखा है ना इन अ प्योरेस्ट वे, वो मैंने किसी शहर में नहीं देखा, ठीक है। और यहाँ बहुत टाइम से हो रहा है इनफैक्ट, सो ऑल दे नीड, I don't think they need anyone though, but
एक कोई भी एक बहुत बड़ा हिट यू नो यहाँ के लोकल आर्टिस्ट से एंड इट्स गोना ब्लो लाइक क्रेजी लाइक स्काई रॉकेट होने वाला है देहरादून का सीन. टीम एवोल्यूशन को सुना हुआ आपने? मैं काफी पहले से जानता हूँ. आई नो अनिकेत, मेरे को पता है. देयर इज दिस गाय डकैत शेडी. मैं सुना हूँ उन लोग को. सही. सो भाई के 2021 में बहुत सारे गाने आने वाले और इसी तरीके से मतलब जो भाई को प्यार देहरादून अपना देता आ रहा है आप देते रहो और भाई के वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गानों को डाउनलोड करो. अच्छे खरीद के 12 रुपए का. 12 रुपए ओनली. 12 रुपए ओनली. ठीक है जी. सिर्फ मेरे नहीं, किसी भी आर्टिस्ट के गाने. अगर आप स्ट्रीम नहीं कर सकते और अगर आपको अगर आप खरीद नहीं कर सकते तो उसको स्ट्रीम जरूर करो. यस. इलीगली डाउनलोड मत करो. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. यूट्यूब पे जाके व्यू टाइम जरूर बढ़ा दो. बिल्कुल हाँ. ऐड में बसाओ. वो सारी चीजें बड़ी काम. दैट्स हाउ यू कैन सपोर्ट योर फेवरेट आर्टिस्ट. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. बट फॉर्टिसन भाई, बहुत मजा आया मिलके. बहुत मजा आया बुलाने के लिए. यस. सो बस यार ऐसी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट से आपको मिलवाते रहेंगे, है ना. आप 93.5 रेड एफएम बजाते रहो. बजाते रहो. I'm